ओबीसी नहीं, इसमें एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, सबका फायदा ये होगा। 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली है। रैली का विषय पीछे बैनर पर भी, अनएम्प्लॉयड यूथ है और स्टूडेंट्स है, मैं उनसे विशेषकर विनती करता हूँ 1 दिसंबर को आप आइए, ये आपकी लड़ाई है। अभी सर जो सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया, उदित राज जी और हनुमंत राव जी जो मुद्दे बोले। बताइए सर, थोड़ा सा आज आपने मीडिया इनवाइट किया है, क्या है पूरा मामला? बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसको आज हम रखने जा रहे हैं। पहले मैं अपने वरिष्ठ नेता का परिचय करा दूं। हनुमंत राव जी हैं अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसके बाद 3 बार एमपी और ओबीसी एमपीओं के लीडर थे। आप हैं राइट हैंड में सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये महेश्वर राज जी हैं, तेलंगाना डोमा के अध्यक्ष है, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी। अब इस देश में जो सिविल सोसाइटी दलित की, ओबीसी की, माइनॉरिटी आदिवासी, वो इकट्ठा होकर के लड़ने जा रही है, क्योंकि राजनीतिक ताकतें कामयाब नहीं हो पा रही। 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली है। रैली का विषय पीछे बैनर पर भी मेंशन है, लेकिन हम एक बार बता भी देते हैं, संविधान बचाने का। संविधान में से संबंधित जो और चीज़ें आज अंडर अटैक हैं, जैसे जाति जनगणना, यानी किसी को न्याय से वंचित करना, भागीदारी से वंचित करना, मतलब ही है कि संविधान के ऊपर हमला। जाति जनगणना बहुत ही ज़रूरी है देश के उत्थान के लिए, और इत्तेफाक की बात है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने भी इसी समय एक देश में आह्वान कर दिया है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसी तरीके से ईवीएम हटाने के लिए कंपेन किया जाएगा। और इत्तेफाक है कि हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर कल शपथ लेते वक्त कहा कि ईवीएम अगर न होती तो 75 सीटें होती। महाराष्ट्र के चुनाव में 5% तक वोटिंग होती है, तब 55% वोटिंग हुई, दूसरे दिन 67%, यानी 12% की बढ़ोतरी कहाँ से हुई। तो ईवीएम के खिलाफ और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है मुसलमानों की, वैसी ही है जैसे हिंदू एंडोमेंट की ट्रस्ट की होती है या हिंदू टेंपल ट्रस्ट की होती है, उसी तरीके से ये भी प्रॉपर्टीज है। आर्टिकल 25-39 ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। वक्फ बचाओ रैली है, जाति जनगणना के लिए है, ईवीएम हटाने के लिए है, किसानों की बात भी हम करते हैं, एमएसपी है, आरक्षण पूरा किया जाना चाहिए, निजीकरण का विरोध हम कर रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक विशाल रैली, और जिसका मुख्य अतिथि माननीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। तो 1 दिसंबर की जो रामलीला की मैदान की रैली है, उसके मुख्य अतिथि खड़गे जी होंगे। तो इसी यही है आज का हमारे विषय, मैं कहूँगा कि हमारे वरिष्ठ नेता है हनुमंत राव जी भी 2 शब्द कहें। उदित राज जी फार्मर एमपी, एक अच्छा मुद्दा लिए, जबकि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद उनको समझ में आ गया देश में आज भी गरीब है, गरीब और नीचे चले जा रहा, सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर का फायदा हो रहा, इवन पोस्टों में भी 90% पीपल बाहर है, 10% वाले ही एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके ऊपर से हमारे उदित राज जी एक अच्छा प्रोग्राम लिए, इसमें दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, आदिवासी है, ये कार्यक्रम जो सक्सेस करना है, क्यों बोले तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म करने को देख रहे, हर एक के पीछे पड़े हुए, हम ओबीसी एमपीसी के कन्वीनर के नाते में 3 मरतबा मिला प्रधानमंत्री से,
नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी बोलता है मगर कभी कुछ करा नहीं, वही राहुल गांधी अपर क्लास का रहने के बावजूद गरीब के काम कर रहा, गरीबों के हित में काम कर रहा, तो इसी वजह से ये रैली सक्सेस होना चाहिए। सभी लोग खाली ओबीसी ने इसमें एससी है एसटी है माइनॉरिटी है सबका फायदा ये होगा आने वाले दिनों में। गरीब भी ऊपर आने का 50% सीलिंग भी हटाने की बात राहुल गांधी जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोला, इसको सक्सेस करना है। ये पूरा देश भर में भी चलना चाहिए। कैस्ट वाइज सेंसस ऑलरेडी हमारे तेलंगाना में शुरू कर दिया, रेवंत रेड्डी कैबिनेट में पास हो गए और कैस्ट वाइज सेंसस 90% हो गए, ये पूरा देश भर में भी होना चाहिए। यही बताने के वास्ते हमारे उदित राज जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। महेश्वराज हमारे दक्षिण भारत से हैं। ओबीसी माइनॉरिटीज जो डोमा हिंदी में कहते हैं डोमा परिसंघ, उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में और वी हनुमंतराव जी के सहयोग से 1 दिसंबर को बहुत ही विशाल रैली रामलीला मैदान में होने जा रहा है। मैं विशेषकर युवा और छात्रों को मैं अपील करता हूँ, आप कितना भी पढ़ो, उदित मोदी 40 लाख जो नौकरियां हैं, 10 साल से 40 लाख नौकरियां बैकलॉग है, उसका भर्ती नहीं कर रहे, आप जागो। क्योंकि अगर हमारे देश में 11,6369 विलेजेस है, अगर वो 10 लाख भर्ती हुआ तो हर विलेज को कम से कम 8 से 9 नौकरियां मिलती है। ये विशेषकर हमारे युवा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और स्टूडेंट्स है, मैं उनसे विशेषकर विनती करता हूँ 1 दिसंबर को आप आइए, ये आपकी लड़ाई है। अभी सर जो सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया उदित राज जी और हनुमंत राव जी जो मुद्दे बोले, उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, बहुत ही विशेष हमारे इस पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं सभी युवाओं को स्टूडेंट्स को फिर एक बार 1 दिसंबर को आने की अपील करता हूँ।